अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ भेज नगेट। मैंने भेज ले लिया है, ये कैप्सिकम एकदम छोटा बारीक काट कर लिया है, गाजर, ये है सीज, ये है कॉर्न, स्वीट कॉर्न और आलू। पहले मैं जितना भी भेज और स्वीट कॉर्न चीज है उसे एक बोल में डालूंगी और उसके साथ उबला हुआ डेढ़ आलू एक और आधा टुकड़ा डालूंगी। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और ये है उबला हुआ आलू, इसे अलग करके रखा है, इसे भी मैं ऊपर, ये है कोटिंग अंडर के लिए और ये है ऊपर के लिए, इसमें भी नमक डालूंगी स्वाद अनुसार। उसके बाद ये काली मिर्च पाउडर है उसे डालूंगी, इसमें भी मैं काली मिर्च पाउडर डालूंगी, ये सिली फ्लेक्स है उसे भी डालूंगी, इसमें भी सिली फ्लेक्स डालूंगी। उसके बाद ये ओरिगेनो है, ओरिगेनो भी एक चम्मच डालूंगी। अगर आप लोगों के पास ओरिगेनो नहीं है तो आप लोग धनिया डाल सकते हैं। उसके बाद ये चाट मसाला है, किसी किसी को चाट मसाला अच्छा नहीं लगता है, ये स्किप कर सकते हैं, चाट मसाला भी डालूंगी। उसके बाद इसमें मैं ये चावल का आटा है चार चम्मच डालूंगी। उसके बाद ये कॉर्नफ्लावर है ये दो चम्मच डालूंगी। उसके बाद मैं अभी इसे अच्छा से मिक्स करूंगी। जितना भी भेज है आलू के साथ मैंने मिक्स कर लिया है और ये ऊपर कोटिंग के लिए है, इसे भी मैं अच्छा से मिक्स कर लूंगी। उसके बाद आगे के प्रोसेस करूंगी। देखिए इसे भी मैंने मिक्स कर लिया है, अब मैं हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लूंगी। उसके बाद इसे मैं ऐसे ही फैला दूंगी। उसके बाद जो कोटिंग है उसे आप अंदर डाल दीजिए। उसके बाद फिर से इसे अच्छा से मोड़ दीजिए। आप लोग चाहे गोल भी बना सकते हैं, चपटा भी बना सकते हैं। उसके बाद आप लोग तुरंत ही इसे ब्रेड क्रम्ब में लपेट दीजिए। देखिए ये नगेट बहुत अच्छा से तैयार हो गया है, बहुत शॉर्टकट है। आप लोग बाजार से फ्रीजर में रख के, बाजार से लाके आप लोग फ्रीजर में रख के खाते हैं, आप लोग घर में फ्रेश वेजिटेबल से ऐसे ही बना के आप लोग भी थोड़ा थोड़ा फ्राई करके फ्रीजर में रखिए और एक महीना तक आप लोग फ्रीजर से निकल के खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इसके स्वाद भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चा लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही आप लोग जैसे हो सके लंबा गोल जैसे बनाए, फिर से इसे भी मैं ब्रेड क्रम्ब में डाल लूंगी। ऐसे ही जितना भी है मैं नगेट पहले तैयार कर लूंगी, उसके बाद फ्राई करूंगी। देखिए व्यूअर्स, मैंने नगेट जितना भी बनाया है इसे ब्रेड क्रम्ब लगा के तैयार कर लिया पहले से, अभी मैं इसे फ्राई करूंगी।
तेल थोड़ा कम गर्म हुआ है, पहले मैं एक देख डाल के देख लिया। आप लोग डीप फ्राई जब भी खाइए तभी कीजिए, नहीं तो थोड़ा सा फ्राई करके भी आप लोग फ्रीजर में रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, जब भी खाने का मन है तो आप लोग निकाल के खा सकते हैं। ऐसे ही नगेट आप लोग चिकन नगेट भी बना सकते हैं, पनीर नगेट भी बना सकते हैं। मैं दूसरा दिन आप लोगों को चिकन नगेट भी बना के दिखाऊंगी। व्यूअर्स, मेरा वीडियो कैसा लगा है प्लीज़, अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ऐसे ही मैं जितना भी नगेट है उसे फ्राई कर लूँगी। देखिए व्यूअर्स, भेज नगेट बनके तैयार हो गया है। आप लोग भी इसे घर में बनाइए। ये मैंने डीप फ्राई अभी खाने के लिए बनाया है, ये फ्रीजर में रखने के लिए थोड़ा सा फ्राई किया है। आप लोगों को अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।